So, sir, what AIIMS director has said is not in variance with what we have been explaining to you. हम लोगों ने आप लोगों से जैसे इससे पहले ही बताया और इससे पहले क्वेश्चन के जवाब में मैंने जैसे आपसे रिक्वेस्ट की है कि अगर लिमिटेड केसेस आते हैं तो एक क्लस्टर कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी के तहत हम जाते हैं और अगर ज़्यादा केसेस आते हैं तो हम उस पर एक आउटब्रेक की स्थिति में एडवांस और एक्टिव एक्शन क्या होना चाहिए उस पर काम करते हैं. AIIMS डायरेक्टर साहब ने जो कहा है वो उससे लिंक्ड है. जैसे आप हमारे से हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या देश में कम्युनिटी ट्रांसमिशन है और हम हर बार आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर ऐसा होगा तो हम आपको खुद आके बताएंगे बिकॉज हम चाहते हैं कि देश अलर्ट हो जाए. लेकिन जो उन्होंने बताया है कि अगर उनका जो वर्डिंग्स हैं लोकलाइज कम्युनिटी ट्रांसमिशन, व्हाट डज इट इम्प्लाई? इट इम्प्लाई कि उस पर्टिकुलर एरिया में केसेस ज़्यादा तादाद में पाए जा रहे हैं. उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि हम आज स्टेज टू और स्टेज थ्री के बीच में हैं. व्हाट डज दिस इम्प्लाई? कि हमारा जो एक्शन है हम स्टेज थ्री पर शिफ्ट ना हों, हम स्टेज थ्री पर ना पहुँचें और उससे लिंक्ड हमें एक्शन लेने हैं उसके लिए हम अफर्ट करें. इतने बड़े देश में अगर किसी पर्टिकुलर पॉकेट में ज़्यादा केसेस पाए जाते हैं तो उसको कंटेनमेंट की हमारी क्लियरली डिफाइंड स्ट्रेटजीज हैं और उसके तहत ही हम काम. सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट.